नमस्कार सभी को। निर्माण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीके यादव आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि नेट और जेआरएफ क्या है, नेट और जेआरएफ के लिए योग्यता क्या है, नेट और जेआरएफ के लिए आयु सीमा कितनी है, नेट और जेआरएफ के लिए कितने पेपर होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, एग्जाम का आधार क्या है। साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी जानकारी देने वाला हूं कि नेट जेआरएफ क्लियर करके आप 5 साल में 25 लाख की स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, साथ ही जेआरएफ करने के बाद क्या फायदे हैं, नेट करने के बाद क्या फायदे हैं, इन सब पर चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बड़े ही विस्तार से करेंगे ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो जाएं और आप अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकें। आप एमए प्रवेश में हैं या फाइनल में हैं या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नेट जेआरएफ संबंधी सूचना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप एमए प्रवेश फाइनल में हैं या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो एक एक चीज पर बिंदु पर चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट जेआरएफ क्या है। सबसे पहले हम बात करें नेट क्या है। देखो दो शब्द हैं नेट जेआरएफ, तो पहले हम बात करेंगे नेट क्या है। नेट क्या है, नेट की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक प्रमाण पत्र होता है, ये एक प्रमाण पत्र होता है, यानी आप नेट क्वालिफाई करते हैं, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है और इस प्रमाण पत्र के आधार पर आप सहायक प्रोफेसर के योग्य बन जाते हैं, सहायक प्रोफेसर के पात्र बन जाते हैं किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में। तो जैसे ही आप नेट क्वालिफाई करते हैं आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है और आप सहायक प्रोफेसर के योग्य बन जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जेआरएफ क्या है। इन दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। जेआरएफ क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसकी फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्लियर करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं उसकी हम बात करें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ यदि आप क्लियर करते हैं तो आप सहायक प्रोफेसर के योग्य तो बन ही जाते हैं, सहायक प्रोफेसर के पात्र बन जाते हैं। साथ ही ये भी एक प्रमाण पत्र है, ये भी जेआरएफ भी एक प्रमाण पत्र आपको मिलता है। क्लियर होने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है, सहायक प्रोफेसर के योग्य हो गए। साथ ही आप पीएचडी करते हैं इसके बाद में रिसर्च करते हैं तो आपको 5 साल के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त होती है, 5 साल के लिए फेलोशिप प्राप्त होती है। और ये जो फेलोशिप है 25 लाख रुपए 5 साल में लगभग प्राप्त होते हैं, यानी 5 साल में आपको 25 लाख रुपए प्राप्त होते हैं स्कॉलरशिप के रूप में यदि आप पीएचडी करते हैं तो 5 साल की स्कॉलरशिप मिलती है, 25 लाख के आसपास ये मिलती है। तो नेट नेट क्या हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है क्वालिफाई करने पर और आप सहायक प्रोफेसर के योग्य बन जाते हैं, नेट की पात्रता आजीवन होती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ, इसमें आप सहायक प्रोफेसर के पात्र तो बनते ही हैं, इसके साथ आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है। जेआरएफ क्लियर होने के बाद में आप जैसे ही पीएचडी करते हैं तो आपको 5 साल के लिए लगभग 25 लाख की स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। ये जो स्कॉलरशिप है ये 2 चरणों में प्राप्त होती है, 3 साल के लिए जेआरएफ के रूप में प्राप्त होती है और 2 साल के लिए एसआरएफ के रूप में प्राप्त होती है।
ये स्कॉलरशिप है 3 साल के लिए तो JRF के रूप में प्राप्त होती है और 2 साल के लिए SRF के रूप में प्राप्त होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और उसके बाद में सीनियर रिसर्च फेलोशिप। सीनियर रिसर्च फेलोशिप और टोटल 25 लाख के आसपास ये प्राप्त होती है। तो आप तैयारी करते हैं नेट JRF की, और JRF यदि क्लियर होता है तो PhD के साथ साथ आपको मौका मिलता है कि 25 लाख रुपए आप स्कॉलरशिप ले सकें, और 5 साल का आपके पास टाइम भी हो जाता मिल जाता है। इस टाइम में आप तैयारी के साथ साथ PhD के साथ साथ अपनी अन्य कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं या फिर स्कूल लेक्चर जैसे या कॉलेज लेक्चर जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको टाइम भी मिल जाता है। तो नेट और JRF क्या है ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए योग्यता क्या है, JRF और नेट के लिए योग्यता। योग्यता तो दोनों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट में 55% होनी चाहिए जनरल के लिए। अन्य कैटेगरी वाइज छूट होती है, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, 55% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में। यदि आप नेट करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, उसके 2 साल के बाद तक आपकी PG हो जानी चाहिए, यानी आप MA प्रवेश में हैं तब से ही, तब भी आप यदि नेट क्लियर कर लेते हैं तो आपका ये नेट मान्य होगा, यानी इसके 2 साल में के बाद 2 साल तक आपकी PG हो जानी चाहिए। यदि आपका JRF होता है तो JRF के 3 साल में, क्लियर होने के 3 साल में PhD में एडमिशन लेना जरूरी होता है। तो ये भी आप MA के साथ ही शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आपकी MA होती है आप PhD में एडमिशन लीजिए, आपका टाइम खराब नहीं होगा। MA के साथ ही आप नेट की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आपकी MA होती है आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होगा या फिर JRF का सर्टिफिकेट होगा, तो आपको वहां फिर एक्स्ट्रा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपनी MA के साथ ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो योग्यता PG में 55% चाहिए, नेट क्लियर होने के 2 साल में के अंदर अंदर PG होनी चाहिए, और JRF होने के 3 साल में PhD में एडमिशन लेने की लेना पड़ेगा, तब ही आपको 25 लाख की स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। तो योग्यता हो गई। इसके बाद आयु सीमा की हम बात करें, आयु सीमा की तो अधिकतम जो आयु है वो 30 वर्ष है। अधिकतम आयु की हम बात करें तो अधिकतम आयु 30 वर्ष है। SC ST OBC और महिला वर्ग को इसमें छूट होती है लगभग 5 साल की, कैटेगरी वाइज छूट होती है। तो अधिकतम आयु जनरल के लिए 30 है, बाकी अन्य कैटेगरी में छूट है। तो योग्यता की बात हो गई, आयु सीमा की बात हो गई, और हम बात करें कि परीक्षा कब होती है, एग्जाम कब होता है। तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, नेट JRF का एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक साल में 2 बार होता है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। जून और दिसंबर 2 बार होता है साल में एग्जाम। नेट और JRF का एक ही पेपर होता है, नेट और JRF का एक ही पेपर होता है, अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही पेपर होता है। थोड़ी कम कट ऑफ होती है वो नेट के लिए क्वालिफाई होते हैं, और उससे ज्यादा कट ऑफ होती है तो वो JRF के लिए क्वालिफाई होते हैं। एंड कम कट ऑफ वाले नेट और अधिक कट ऑफ वाले JRF, एक ही पेपर होता है, 2 बार होता है जून और दिसंबर में। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि नेट के लिए अधिकतम आयु नहीं होती है, नेट के लिए अधिकतम आयु नहीं है, यानी जब तक चाहो नेट की परीक्षा दे सकते हो। अधिकतम आयु JRF के लिए है, JRF के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष है, नेट के लिए कोई अधिकतम आयु नहीं है। पेपर की हम बात करें तो इसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन एग्जाम होता है। क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। दो पेपर होते हैं इसमें, पेपर दो होते हैं, दो पेपर, एक फर्स्ट पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 अंक का होता है। इस पेपर में विभिन्न विषयों से संबंधित 10 यूनिट होती हैं। इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, पर्यावरण, एनवायरमेंट, तकनीकी से संबंधित यानी विभिन्न विषयों को लेकर 10 यूनिट होती हैं इसमें फर्स्ट पेपर में। और एक पेपर होता है सेकंड पेपर, यानी दो पेपर होंगे सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर वो होता है जिसका आप चयन करते हो, जिस सब्जेक्ट का आप चयन करते हो। तो चयन किया हुआ सब्जेक्ट, चयन किया हुआ सब्जेक्ट होता है सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 अंक का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 अंक का होता है। फर्स्ट पेपर में न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है, न्यूनतम 40% अंक लेना जरूरी है फर्स्ट पेपर में, जनरल कैटेगरी के लिए। अन्य के लिए, अन्य कैटेगरियों में छूट होती है, मैं जनरल की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट पेपर में 40% लेना अनिवार्य है। तो दो पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही दोनों में होंगे। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक होंगे, 10 यूनिट होती हैं विभिन्न विषयों से संबंधित। सेकंड पेपर जिस विषय का आप चयन करते हैं वो होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 200 अंक होते हैं। फर्स्ट पेपर में 40% लेना, न्यूनतम अंक 40% आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आप सभी क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। समय की हम बात करें तो दोनों पेपरों का समय 3 घंटे का होता है। समय की हम बात करें तो दोनों पेपरों का समय 3 घंटे होता है, 3 घंटे का होता है। अब हम इसकी तैयारी किस तरह करें उस पर बात करें, तैयारी कैसे करें। तो हमारे पास 100 अंक हैं फर्स्ट पेपर के, फर्स्ट पेपर के जिसमें लगभग 10 यूनिट हैं, और 200 अंक हैं सेकंड पेपर के, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट। तो दोनों ही पेपरों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर पर भी देना पड़ेगा, सेकंड पेपर पर भी देना पड़ेगा। लेकिन सेकंड पेपर का वेटेज ज्यादा है, इसमें 200 अंक हैं, उसमें 100 अंक हैं। तो सब्जेक्ट पर भी हमारी अच्छी मजबूत पकड़ होनी चाहिए, इसके अलावा फर्स्ट पेपर की जो 10 यूनिटें हैं उस पर भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। तो तैयारी के लिए आप अपना जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसका चयन करें, उससे संबंधित ऑथेंटिक बुक्स लें। अब हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स हो सकती हैं, और फर्स्ट पेपर की भी आप तैयारी करें और दोनों की तैयारी करें। और यदि आप एमए अभी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें, और यदि एमए कर चुके हैं तो भी आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। इस जून में एग्जाम होने वाला है, और जून में यदि आपका नहीं होता है किसी कारण बस, तो आपका फिर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, दिसंबर में एग्जाम दीजिए। हाँ, तो नेट JRF निकलने के बाद फायदे क्या हैं, यानी आपका नेट JRF क्लियर हो जाता है तो उसके फायदे क्या हैं। नेट JRF के फायदे, यदि आपका नेट क्लियर होता है, नेट क्लियर होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पात्र बन जाते हैं। आपके पास एक प्रमाण पत्र होता है जिसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज का या में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एग्जाम के द्वारा या डायरेक्ट साक्षात्कार के माध्यम से भी भर्तियां निकलती हैं। इसके अलावा आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए जाते हैं नेट JRF क्लियर करके, तो वहां भी आप आसानी से 30,000 से 40,000 की पेमेंट पा सकते हैं। तो यदि गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल पाता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है प्राइवेट कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जहां भी नेट JRF क्लियर करके आप सहायक प्रोफेसर के पद पर आसीन हो सकते हैं और 30,000 से 40,000 के आसपास पेमेंट ले सकते हैं। साथ ही आपका JRF क्लियर होता है
तो JRF क्लियर होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पात्र तो हो ही गए, साथ ही साथ 25 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है आप PhD करते हैं तो आप PhD कीजिए, 25 लाख की स्कॉलरशिप लीजिए और साथ ही साथ अपनी अन्य एग्जाम से संबंधित तैयारी भी करते रहें, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित तैयारी करते रहें जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की कीजिए, ताकि बाद में जब भी आपको एग्जाम देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पड़े या फिर साक्षात्कार के माध्यम से बनना पड़े तो उस समय आप आसानी से बन पाओ। तो 5 साल में आप तैयारी कीजिए। और मैं एक सूचना आपको और देने वाला हूं, जो भी विद्यार्थी MA पॉलिटिकल साइंस से कर रहा है या फिर नेट JRF की तैयारी पॉलिटिकल साइंस से करना चाह रहा है उनके लिए मेरा ऐप है निर्माण क्लासेज ऐप, निर्माण क्लासेज ऐप है मेरा। इस निर्माण क्लासेज ऐप पर मैंने नेट JRF का लाइव कोर्स लॉन्च कर दिया है, नेट JRF का लाइव कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये कोर्स लॉन्च हो चुका है, 15 मार्च से इस पर कक्षाएं प्रारंभ होंगी, लाइव कक्षाएं प्रारंभ होंगी 15 मार्च से। इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स की वैलिडिटी की हम बात करें तो इस कोर्स की वैधता 1 साल के लिए रहेगी, यानी 1 साल तक संपूर्ण कोर्स आपके ऐप पर सेव रहेगा, जब भी चाहो आप उसको देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, नोट्स रीड कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ये एक फाउंडेशन बैच होगा। इस फाउंडेशन बैच में हम 6 से 7 माह चर्चा करेंगे। नेट के सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस में जो टोटल 10 यूनिट डाल रखे हैं, 10 यूनिट हैं, इन 10 यूनिटों पर विस्तार से चर्चा करेंगे 6 से 7 माह में और एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे जिसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस पे कंप्लीट पकड़ बन जाएगी, आप पूरी पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझ पाओगे और आप अपना नेट JRF आसानी से क्लियर कर पाओगे। इसी के साथ साथ अन्य पॉलिटिकल साइंस से संबंधित परीक्षाएं हैं, उनमें भी आपको काफी फायदा इस कोर्स से मिलने वाला है। अब इस कोर्स में आपको मिलने के वाला क्या क्या है उस पर हम बात करें तो इस कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलेंगी, पर डे लाइव क्लास जिसमें आप ऑफलाइन जैसा फील करोगे। इसके अलावा इस कोर्स में आपको मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास। यानी किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं देख पा रहे तो आप बाद में उसी लाइव क्लास को रिकॉर्डेड के रूप में देखिए, रिकॉर्डेड के रूप में ऐप पर रहेगी और 1 साल के लिए रहेगी, तो 1 साल में जब चाहो तब देखो, जितनी बार चाहो तब तक देखो। वीडियोज जो होंगे उनमें क्वालिटी चेंज का ऑप्शन होता है और साथ ही स्पीड चेंज का ऑप्शन भी होता है, स्पीड ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में शामिल है PDF नोट्स। इन PDF नोट्स को आप रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में आपको मिलता है वीकली टेस्ट। यानी 1 सप्ताह में जितना हमने पढ़ा है उसका टेस्ट हम संडे को रखेंगे। टेस्ट में आपको अपनी रैंक शो होगी कि आप, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कहाँ चल रहे हैं, हमारा अन्य विद्यार्थियों के साथ कितना कंपेयर हो रहा है, तो कंपेयर करके आपकी रैंक मिलेगी। रैंक के अलावा सोल्यूशन भी इस टेस्ट का आपको मिलेगा, जहां क्वेश्चन होगा उसी के नीचे सोल्यूशन भी होगा, तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उनका सोल्यूशन भी वहां प्राप्त होगा, तो सोल्यूशन होगा, रैंक शो होगी, क्वेश्चन का लेवल क्या है, हार्ड है, मीडियम है या इजी है, वो भी इसमें आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा और इसमें शामिल है नेट JRF पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज भी इसके अंतर्गत आपको मिलती है। ये टेस्ट सीरीज है, ये 1 साल के लिए रहेगी, यानी पहले आपको लाइव क्लास देंगे, फिर रिकॉर्डेड के रूप में सेव है, PDF नोट्स भी आपको साथ साथ दिए जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वीकली टेस्ट साथ साथ चलेंगे और जैसे सिलेबस होगा तो आपको लगभग 10
के आसपास मॉडल टेस्ट मिल जाएंगे, 10 से ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, तो मॉडल टेस्ट हो जाएंगे टेस्ट सीरीज में। और साथ ही आपको इस ऐप में चैट का ऑप्शन मिलेगा, चैट का ऑप्शन। यदि आपको कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन को लेकर पढ़ाई से संबंधित, तो आप इस चैट का ऑप्शन आपको इसमें ऐप में मिलता है, जहां आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं और उसका मैं आंसर आपको या तो वहीं चैट के माध्यम से या फिर अगली क्लास में दे दूंगा। साथ ही आपको ग्रुप चैट का ऑप्शन भी मिलता है, इसमें ग्रुप चैट का ऑप्शन भी मिलता है, यानी जितने भी नेट के विद्यार्थी हैं, नेट जेआरएफ के, वो सारे ग्रुप में जुड़ जाते हैं, तो ग्रुप में भी अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप चैट भी कर सकते हैं। तो ग्रुप चैट का ऑप्शन है, मेरे से डायरेक्ट चैट का ऑप्शन भी इस ऐप में है। तो सारी बातें हो गई, अब हम इसकी फीस की बात कर लें कि फीस कितनी है। वैलिडिटी की बात हो गई, एक साल रहेगी, कितने दिन क्लासेस चलेंगी, 6 से 7 महीने चलेंगी, फाउंडेशन बैच होगा जिसमें पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको करवाया जाएगा, 10 यूनिट है, 10 यूनिट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। फीस की हम बात करें तो इस कोर्स की फीस 18,000 रुपये रहेगी, 18,000 रुपये रहेगी। 15 तारीख से कोर्स, 15 मार्च से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है 15 मार्च से। कोर्स लॉन्च हो चुका है, कोर्स लॉन्च हो चुका है, यानी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। 18,000 फीस है, 15 मार्च से लाइव क्लास होंगी। लेकिन यदि आप 5 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको ये कोर्स मात्र 7,000 रुपये में प्राप्त होगा। 5 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 7,000 रुपये में प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखें केवल 20 सीटें हैं, 7,000 में 20 सीटें हैं, तो जो भी पहले आएगा उसको प्राप्त होंगी केवल 20 सीटें हैं, उसके बाद में फिर 18,000 हो जाएगी। तो 5 तारीख तक 20 सीटें हैं जो आपको मात्र 7,000 में मिल जाएंगे। ये सारी चीजें, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स जो डाउनलेबल हैं, प्रिंटेबल हैं, और वीकली टेस्ट और टेस्ट सीरीज, ये सब के सब, चैट ऑप्शन, ग्रुप चैट ऑप्शन, ये सारे के सारे 7,000 में आपको मिल जाते हैं 5 मार्च तक 20 सीटों में। अब इसके, इस कोर्स से कौन कौन जुड़ सकता है, कौन कौन जुड़ सकता है उसकी हम बात करें, तो जो भी एमए पीजी कर रहा है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से जो पीजी कर रहा है, वो स्टूडेंट भी इस कोर्स से जुड़ सकता है, क्योंकि इसको इससे 2-3 फायदे होने वाले हैं, क्योंकि नेट का, जेआरएफ का सिलेबस और आपकी पीजी का सिलेबस लगभग सेम सा है, काफी यूनिटें हैं, एक जैसी है, तो पीजी की भी तैयारी हो जाती है और पीजी के साथ साथ आपकी नेट जेआरएफ की भी तैयारी हो जाती है। नेट जेआरएफ के लिए पीजी में 55% चाहिए, तो वो आसानी से आपकी 55% बन जाएगी। साथ ही साथ आपकी कॉलेज के साथ ही तैयारी हो गई, तो जैसे आपकी आपकी पीजी होती है, आप के पास नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट होगा, या तो नेट का होगा या फिर दोनों का होगा, नेट और जेआरएफ का। तो उसके बाद आप चाहे तो सहायक प्रोफेसर की तैयारी कीजिए, और चाहो तो आप फिर पीएचडी कीजिए, 25 लाख की स्कॉलरशिप लीजिए। साथ ही इससे जुड़ सकता है जो वर्तमान में नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, जो जून में पेपर देना चाह रहा है या फिर उसके बाद दिसंबर में देना चाह रहा है, तो वो भी इस कोर्स से जुड़ सकता है। जून तक काफी कुछ सिलेबस हो जाएगा, तो या तो आपका जून में नेट जेआरएफ निकल जाता है, जून में नहीं निकलता है तो दिसंबर में 100% नेट जेआरएफ निकल जाएगा, क्योंकि हम उस एनवायरमेंट को तैयार करेंगे जहां आपको अच्छी तैयारी मिल पाएगी, हर टॉपिक पर विस्तार से चर्चा, आसान से चर्चा, कि आपको आसान भाषा में समझ में आए, वो उस आसान भाषा में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको चैट का ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम है आप सीधे मुझसे पूछिए, क्लास में पूछिए, लाइव क्लास में चलेगी तो उसमें आप, उसमें भी चैट का ऑप्शन है, वहां भी आप सीधे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो नेट जेआरएफ जो जून में देने वाले हैं, वो भी आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, वो भी इस कोर्स से जुड़ सकता है, जिनका नेट जेआरएफ हो चुका है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ है जो कॉमन सिलेबस है नेट जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके अलावा किसी भी स्टेट से आप कॉलेज लेक्चरर की या फिर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी भी इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन बैच में आपको अधिकतर पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगी, तो वो सभी एग्जामों के लिए उपयोगी रहेगी, तो वो भी इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप इसको एक
अपने भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू करके, क्योंकि जैसे आप नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू करते हैं एमए के साथ या एमए के बाद, तो नेट जेआरएफ तो होता ही होता है, इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर आदि की भी अच्छे से तैयारी होती है। आप आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो वहां भी ये क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है जो नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन इस कोर्स में चालू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निर्माण क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है और निर्माण क्लासेज ऐप में नेट जेआरएफ का जो कोर्स है स्टोर टैब में मिलेगा, वहां से आप उसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और 5 मार्च तक ध्यान रखिए 7,000, और उसके बाद में फीस है रहेगी 18,000। 7,000 में मात्र 20 सीटें हैं, तो जो भी पहले आएगा उसको ये सीटें प्राप्त होंगी। साथ ही जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं स्कूल व्याख्याता के कोर्स में, तो यदि वो स्कूल व्याख्याता के कोर्स में जुड़े हुए विद्यार्थी भी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो जितनी भी फीस उन्होंने स्कूल व्याख्याता के लिए दी है वो फीस इंक्लूड कर दी जाएगी नेट जेआरएफ के कोर्स में, और दोनों ही कोर्स आपके पास रहेंगे, नेट जेआरएफ का भी रहेगा और स्कूल व्याख्याता का भी रहेगा। दोनों कोर्सों की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। तो आज यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला था। धन्यवाद सभी को।